हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चे, हमने क्लोनिंग वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया। क्लोनिंग में आप बच्चों को कन्फ्यूज़न थी, अब मुझे लगता है कि क्लियर हो गई होगी। अब उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, ठीक है। जिस तरह से हमने क्लोनिंग से नए ऑर्गेनिज्म हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली बनाते थे, उसी तरह से स्टेम सेल टेक्नोलॉजी को भी यूज़ करके हम अपनी चॉइस के सेल्स या ऑर्गन्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। वही देखते हैं कि किस तरह से हम इस टेक्निक को यूज़ करके, इस पर्टिकुलर टेक्निक को यूज़ करके हम न्यू ऑर्गन्स या न्यू सेल्स की फॉर्मेशन किस तरह से करते हैं, ठीक है। अब ये देखो, सबसे पहले हम स्टेम सेल टेक्नोलॉजी की बात करें कि अगर स्टेम सेल टेक्नोलॉजी क्या होती है। बच्चे, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हमने पर्टिकुलरली टोटिपोटेंट या प्लूरीपोटेंट सेल्स को लेना होता है, ठीक है। जैसे कि क्लोनिंग में मैंने आपको बताया था कि या तो हम ओवम को लेते हैं और बॉडी का कोई भी सेल का न्यूक्लियस हम ले सकते हैं, लेकिन इस केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। स्टेम सेल टेक्नोलॉजी में हमें सिर्फ और सिर्फ टोटिपोटेंट या प्लूरीपोटेंट सेल्स लेने होते हैं। अब ये सेल्स कौन से हैं? देखो, टोटिपोटेंट सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें एबिलिटी होती है टू फॉर्म अ कंप्लीट इंडिविजुअल। मतलब सिंगल सेल है, इसमें एबिलिटी है कि एक पूरा इंडिविजुअल की फॉर्मेशन कर सकता है हेड से टो तक, ठीक है। अब टोटिपोटेंट सेल्स होते कौन से हैं? हमारी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में ये जाइगोट एक ऐसा सेल है जो टोटिपोटेंट होता है, जिसमें एबिलिटी होती है हर तरह के सेल्स, हर तरह के ऑर्गन्स की फॉर्मेशन करने की, ठीक है। अब प्लूरीपोटेंट सेल कौन सा है? प्लूरीपोटेंट जो है थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट हो चुका है। मतलब जैसे ये जाइगोट था, जाइगोट में डिवीज़न हो चुकी है, लेकिन अभी भी इनमें कैपेसिटी है कि कुछ स्पेशल सेल्स को बना सकें, कुछ स्पेशल ऑर्गन्स की फॉर्मेशन कर सकें, ठीक है। अगर हम दोनों की बात करें, टोटिपोटेंट और प्लूरीपोटेंट, दोनों अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल। अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल का मतलब क्या हो गया कि अभी इनमें कोई स्पेसिफिसिटी नहीं आई है। स्पेसिफिसिटी का मतलब, अच्छे देखो, होता क्या है, हमारी जब एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो रही होती है, जब ब्लास्टुला बनता है, ब्लास्टुला के बाद गैस्ट्रुला बनता है, तो स्पेसिफिसिटी आ जाती है। गैस्ट्रुला का मतलब, जैसे ये हमारे पास गैस्ट्रुला है, इसमें एक्टोडर्म बनी, इसमें मीजोडर्म बनी, इसमें एंडोडर्म बनी। अब एक्टोडर्म ने जो स्पेशल ऑर्गन बनाने हैं वही बनाएगी, ठीक है। एक्टोडर्म मीजोडर्म के ऑर्गन नहीं बना सकती, मीजोडर्म एक्टो के नहीं बना सकती, उसी तरह एंडोडर्म अपने ही स्पेशल ऑर्गन बनाएगी, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, इनमें डिफरेंशिएशन हो चुकी है, इनको स्पेसिफिक फंक्शन असाइन हो चुके हैं, लेकिन टोटिपोटेंट और प्लूरीपोटेंट में अभी कोई भी फंक्शन असाइन नहीं हुए। इन सेल्स को हम यूज़ कर सकते हैं न्यू सेल्स की जनरेशन करने के लिए, जो हमारी रिक्वायर्ड होंगे, जो हमारी चॉइस के होंगे, ठीक है। तो स्टेम सेल्स वही चीज़ होगी। देखो, कैपेबल ऑफ अनलिमिटेड प्रोलिफरेशन, जितनी मर्जी हम इनसे नए सेल्स बना लें, हम बना सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद स्टेम सेल्स जो है, हम यूज़ क्यों करते हैं, हम नए सेल्स क्यों बनाते हैं? अगर किसी ऑर्गन में कोई डैमेज हो गया है, उस डैमेज को रिपेयर करने के लिए, ठीक है। जैसे मान लो ये स्टोमिक है, स्टोमिक के किसी पार्ट में कुछ अल्सर्स बन चुके हैं, डैमेज हो चुका है, हम चाहते हैं कि हम इसको रीजनरेट करें, हम यहाँ पे टोटिपोटेंट या प्लूरीपोटेंट सेल्स को इंसर्ट कर देंगे, वो डिवीजन शो करेंगे और जो डैमेज्ड पार्ट है वो रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। ये बच्चे अभी रिटन फॉर्म में ऐसा पॉसिबल हुआ है, अभी इस पर रिसर्च बहुत सारी चल रही है, अभी ऐसा 100% हम नहीं बोल सकते कि सक्सेसफुल हो चुका है कि हम इस तरह से रीजनरेट करेंगे, इस पर रिसर्च चल रही है अभी, ठीक है। अब वही देखो, पहले आपने क्या लिखनी है, डेफिनेशन लिखनी, जो मैंने आपको बता दी है डेफिनेशन। देन उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेम सेल की बात करें कि स्टेम सेल्स में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो नॉर्मल सेल्स में नहीं होती। तो हम पूरी बॉडी को तो स्टेम सेल बोलते नहीं है, हमारी पूरी बॉडी सोमेटिक सेल्स की बनी होती है और जर्म सेल्स जो होते हैं हमारे गोनेट्स के होते हैं, ठीक है। तो स्टेम सेल्स कौन कौन से होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चे, ये अनस्पेशलाइज्ड सेल, जैसे अभी मैंने बताया ना कि कोई स्पेसिफिक फंक्शन इनको असाइन नहीं हुआ होता, कुछ भी कर सकते हैं, हाथ भी बना सकते हैं, पाँव भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अनस्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जिनमें बहुत लंबी रिन्यूअल की कैपेसिटी, मतलब दोबारा रीजनरेट होने की कैपेसिटी होती है, और न्यू प्रोजीनी, मतलब अपने से नए सेल्स भी बना सकते हैं, क्योंकि इनमें माइटोटिक पोटेंशियल ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे मान लो ये एक स्टेम सेल है, ये जितनी मर्जी चाहे डिवीज़न कर सकता है, नए सेल्स की फॉर्मेशन कर सकता है, और इसी नए सेल की फॉर्मेशन की वजह से, इसकी वजह से हम डैमेज को रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दीज हैव कैपेसिटी ऑफ सेल डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन का मतलब, जैसे ये सेल है, ठीक है, सिंपल अनडिफ्रेंशिएटेड सेल है, इसको, इसके पास सारी की सारी कैपेसिटीज हैं। हमें चाहिए सिर्फ एक बोन का पार्ट चाहिए, तो हम इससे बोन भी रिजनरेट कर सकते हैं। हमें इससे मसल चाहिए, हम मसल भी रिजनरेट कर सकते हैं। मतलब ये ऐसे अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं जिनको हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली यूज़ करके अपने हिसाब से नए सेल्स की फॉर्मेशन करवा सकते हैं, ठीक है।
अब प्लूरीपोटेंट सेल्स कौन से हैं? प्लूरीपोटेंट जो हैं थोड़े बहुत डिफरेंशिएट हो चुके हैं पर पूरे डिफरेंशिएट नहीं हुए, ठीक है। अब ये सेल्स जो डिफरेंशिएशन होती है, नॉर्मल अगर हम अपनी बॉडी की बात करें कि डिफरेंशिएशन कैसे होती है एम्ब्रियो में, इंटरनल सिग्नल्स जो हैं वो रन करते हैं, उनकी वजह से डिफरेंशिएशन हो जाती है। इंटरनल सिग्नल्स किसके थ्रू? जीन्स के थ्रू। एक्सटर्नल सिग्नल किसके थ्रू? एनवायरनमेंट के थ्रू, ठीक है। एक्सटर्नल और इंटरनल सिग्नल जो होते हैं वो इन सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं और फर्दर डेवलपमेंट करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम नेचुरल कंडीशन की बात नहीं कर रहे, तो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में हम इनको अपने हिसाब से स्पेशल ऑर्गन्स और उनके फंक्शन के अकॉर्डिंगली हम इनको डेवलप करवा सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि हम चाहे बोन करा सकते हैं, हम चाहे मसल करा सकते हैं, हम चाहे ब्लड सेल्स बना सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेम सेल्स की स्पेसिफिक या स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। अब अच्छे स्टेम सेल्स जो हैं दो मेन तरह के होते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, एडल्ट स्टेम सेल, ठीक है। अब नाम से ही इंडिकेट किया हो रहा है, एम्ब्रियोनिक मतलब जो छोटे बच्चे, बिल्कुल छोटे बच्चा भी नहीं, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो बच्चा बन रहा है उसमें जो सेल्स होंगे उनको एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल बोलते हैं, और अडल्ट स्टेम सेल जो हमारी बॉडी में भी हैं, सारे जितने भी बड़े हो चुके हैं उनकी बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है। पहले हम बात करते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल की। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल पर्टिकुलरली ड्राइव होता है ICM। अब ICM क्या है? इनर सेल मास, ठीक है। इनर सेल मास ऑफ एम्ब्रियो, इनर सेल मास, ठीक है। अब ICM देखो बच्चे होता क्या है, हमारी बॉडी में जब फर्टिलाइजेशन होगी, ओवम और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट बन गया। जाइगोट क्या है? सिंगल सेल है। अब इसने डिवीजन शो की 8 to 16 या 32 सेल स्टेज बना, तो हमारे पास मोरूला आ गया, सॉलिड मास ऑफ सेल जिसको बोलते हैं। मोरूला के बाद नेक्स्ट जो आती है स्टेज ब्लास्टुला। ब्लास्टुला में क्या स्पेशल फीचर होता है? सारे के सारे सेल एक साइड पर जाके लोकेट हो जाते हैं, ठीक है। ये देखो एक साइड पे आके सारे के सारे सेल लोकेट हो चुके हैं, बाकी खाली जगह भी बन चुकी है, और जो इसकी बाहर वाली लेयर है उसको ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। ट्रोफोब्लास्ट लेयर को बोलते हैं। इनर सेल मास जो ये एम्ब्रियो के सेल वाला मतलब एक साइड जाके एक्यूमुलेट हो चुके हैं, इसको एम्ब्रियोनिक नॉब भी बोला जाता है, ठीक है। अब बच्चे जो ये इनर सेल मास है इसमें एबिलिटी होती है कि ये पूरा कंप्लीट इंडिविजुअल बना सकता है, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट सिर्फ प्लेसेंटा फॉर्मेशन में रोल प्ले करती है, बाकी इसका कोई रोल नहीं होता। इनर सेल मास ऐसे सेल्स होते हैं जो कंप्लीट इंडिविजुअल बनाते हैं। तो हमारे काम के कहाँ है, क्या है? अब ट्रोफोब्लास्ट बिल्कुल भी नहीं है, हमारे काम की क्या है? इनर सेल मास। तो हमने क्या करना होता है? इनर सेल मास हम ये सारा काम कहाँ करा रहे हैं? इन विट्रो, ठीक है। बच्चे याद रखना, इन विट्रो करा रहे हैं, इन वीवो नहीं करा रहे। इन विट्रो करा रहे मतलब हम लैब में करा रहे हैं। हमारे पास इनर सेल मास बन चुके हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। देखो हमने कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कि अब मोरूला है ब्लास्टुला? एक तो कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन होती है, एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली हमें पता है कितने टाइम के बाद कौन सी स्टेज बनती है, कितने टाइम के बाद कौन सी स्टेज बनती है, उसके अकॉर्डिंगली हमारे हमें पता चल चुका है कि इनर सेल मास बन चुके हैं। इनर सेल मास में से हम कुछ एक सेल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब जो हमने एक्सट्रैक्ट किए अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स, मतलब उनमें कैपेसिटी है सब कुछ बनाने की, कोई एक स्पेशल ऑर्गन की कैपेसिटी अभी नहीं आई, ठीक है। हमने उनको लिया, देन उनको कल्चर किया। उनको कल्चर करने के बाद अपने हिसाब से इंड्यूस करेंगे कि हम उनको डिफ्रेंशिएट करें और प्रिकर्सर बनाएं, ठीक है। देखो एक इनिशियल डिफरेंशिएशन होती है, एक फाइनल डिफरेंशिएशन होती है। इनिशियल और फाइनल डिफरेंशिएशन का क्या मतलब हो गया? देखो मान लो हमारे पास ये सेल है, हमने इसको डिफरेंशिएट किया, अब ये नर्वस सिस्टम का सेल बन चुके हैं। नर्वस सिस्टम में भी तो कई सारे सेल्स हैं, ठीक है। तो उस तरह से ये इनिशियल डिफरेंशिएशन हमने करवाई है, पहले प्रिकर्सर सेल्स बनाए हैं, उन प्रिकर्सर सेल्स को दोबारा से हम स्टिमुलस प्रोवाइड करेंगे, तो वो स्पेशल सेल जो स्पेसिफिक सेल्स हैं वो बनाएंगे। जैसे डोपामाइन की सिक्रेशन करवाएं, हम सीरोटोनिन की सिक्रेशन करवाएं, सीरोटोनिन, ठीक है। और या फिर अगर हम पेनक्रियाज, जैसे कि पेनक्रियाज में इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स को हम क्या करें? स्टिमुलेट करें ताकि वो इंसुलिन की प्रोडक्शन कराए, ठीक है। तो इस तरह से हम इन स्टेम सेल्स को यूज़ करके अपने हिसाब से जीन्स या सेल्स की प्रोडक्शन करवा सकते हैं। अब प्रॉपर्टीज है इनर सेल मास की। इनर सेल मास जो है ये क्या कर सकता है? सेल्फ रिन्यूअल, मतलब नए सेल्स, एक सेल है इसे दोबारा इसी तरह के सेल्स बन सकते हैं विदाउट डिफरेंशिएटिंग। मतलब क्या हो गया? जैसे कि ऐसा होता है ना नॉर्मल कंडीशन में, नेचुरल कंडीशन में क्या होता है, जब डिवीजन होगी तो वो डिफरेंशिएटेड हो जाएंगे, वो अलग स्पेसिफिक सेल बन जाएंगे, लेकिन इनमें कैपेसिटी है स्पेसिफिसिटी के अलावा रिन्यू करते हैं, दोबारा डिवाइड करते रहते हैं। स्पेसिफिसिटी नहीं आती बल्कि अपने जैसा नंबर इंक्रीज करते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद यूप्लॉइड कैरियोट, कैरियोटाइप बचे क्या होता है? हमारे क्रोमोसोम की नॉर्मल जो स्टडी होती है ना कैरियोटाइपिंग बोलते हैं। तो ये हमारे क्रोमोसोम्स को बिल्कुल नॉर्मल रखता है। जैसे हमारे में 46 क्रोमोसोम है तो 46 के 46 रहेंगे, ना तो 45 होंगे ना 47 होंगे, ठीक है। उसके बाद चाहे जितनी मर्जी प्रोलोंग्ड प्रोलिफरेशन, मतलब जितनी लंबी डिविजन्स हम करवाते रहें, जितना मर्जी हम करवाते रहें, तो ये अपनी कैपेसिटी को रिटेन करते हैं। जैसे कि मतलब मान लो ना कि डिवीजन हो गई है, हो गई डिवीजन, ऐसे बहुत सारे डिवीजन हो रही है, तो इनकी वायबिलिटी डिक्रीज नहीं होती, इनकी जो कैपेसिटी है स्टेम सेल की वो रिटेन रहती है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करते हैं, अगर इनको हम एम्ब्रियो
फॉर्मेशन में रोल प्ले करें तो पूरा ये वैसा ही रोल प्ले करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं एम्ब्रियो फॉर्मेशन में, ठीक है। देन उसके बाद आते हैं सोमेटिक सेल्स और अडल्ट स्टेम सेल। अब सोमेटिक स्टेम सेल या अडल्ट स्टेम सेल जो है ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, हम सारे अडल्ट हैं ना। हमारी बॉडी में ऐसे सेल्स अनडिफ्रेंशिएटेड स्पेशल सेल्स हैं, ठीक है। पूरी बॉडी में ऐसा कभी नहीं होता, कुछ एक स्पेसिफिक ऐसे सेल्स हैं जो आज भी हमारी बॉडी में नए सेल्स की फॉर्मेशन करते रहते हैं। जैसे कि हमारे पास बोन मैरो में है और स्टेम सेल्स ऑफ ब्रेन है और स्टेम सेल नीचेज हैं। बोन मैरो जो है हमारी बोन के अंदर, जैसे हमारी ये बोन है ना, ठीक है, ये बोन है, इसके अंदर वाला जो कंटेंट है इसको हम बोन मैरो बोलते हैं, ठीक है। और इस बोन मैरो में कैपेसिटी होती है न्यू सेल्स फॉर्मेशन की, जैसे कि इसमें दो तरह के सेल्स हैं, हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल, बोन मैरो स्ट्रोमल या मेसेनकाइमल स्टेम सेल, ठीक है। अब हेमाटोपोइटिक, देखो हमारे ब्लड की स्टडी को हम बोलते हैं हेमाटोलॉजी, ठीक है। तो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स ऐसे सेल्स जो ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और कौन से ब्लड सेल्स की? तीनों टाइप के ब्लड, आरबीसीज की भी करेंगे, डब्ल्यूबीसीज की भी करेंगे और प्लेटलेट्स की भी करेंगे, ठीक है। इनको बोलते हैं हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो हमारी बोन मैरो के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। ये ज़्यादा होते हैं, जो बोन मैरो स्ट्रोमल या मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स हैं ये थोड़े कम होते हैं। अब इनका काम क्या होता है, ये अपने जैसे सेल्स को रीजनरेट करते रहते हैं, जैसे देखो बोन को रीजनरेट करेंगे, कार्टिलेज को रीजनरेट करते रहेंगे, इनका यही काम होता है। तो दो तरह के सेल्स हैं, हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स, बोन मैरो स्ट्रोमल, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट जो है स्टेम सेल्स ऑफ ब्रेन, हमारे ब्रेन में कुछ एक स्पेशल ऐसे सेल्स हैं जो एस्ट्रोसाइट्स और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स या न्यूरॉन्स की फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन बच्चे ये कुछ एक सेल्स हैं, ठीक है, कुछ एक स्पेसिफिक कंडीशंस हैं जिसके दौरान ये क्या करते हैं, इन सेल्स को रीजनरेट करते हैं। जैसे कि देखो एस्ट्रोसाइट्स और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं, इनका काम क्या होता है, हमारी ब्रेन सेल्स को न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करना, ठीक है। अगर न्यूरॉन्स की बात करें, जैसे हमारी पूरी बॉडी में न्यूरॉन्स हैं, तो न्यूरॉन्स कभी रीजनरेट नहीं होते। न्यूरॉन्स जितने एट अ टाइम ऑफ बर्थ बनते हैं उतने ही रहते हैं, वो कभी भी नए दोबारा नहीं बनते, ठीक है। न्यूरॉन्स की ये कैपेसिटी होती है। तो ये जो स्टेम सेल्स ऑफ ब्रेन है, पर्टिकुलरली एस्ट्रोसाइट्स और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो ब्रेन के टिश्यू को ही न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, उनमें कैपेसिटी होती है, बार बार नए नए बनते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेम सेल नीचे के, हमारी बॉडी में कुछ एक ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनमें थोड़ी बहुत ऐसी कैपेसिटी है कि वो नए सेल्स बनाते रहते हैं। जैसे कि कुछ एक स्पेसिफिक एरिया, जैसे कि हमारे कौन कौन से ब्लड वेसल्स हैं, हमारे में स्किन है, हमारे में स्केलेटल मसल है, टीथ है, हार्ट है, गट है, लीवर है, इस तरह के कुछ एक ऑर्गन्स। जैसे कि मान लो हमारी स्किन है ना, हमारी स्किन की कभी कभार हमें जख्म हो जाता है तो वो रीजनरेट हो जाती है, ठीक है। तो वो रीजनरेट किस वजह से, क्योंकि उसमें थोड़ी बहुत कैपेसिटी है। अब देखो बच्चे, इनमें डिफ्रेंशिएटेड कैपेसिटी है। डिफ्रेंशिएटेड का मतलब, जैसे स्किन में अगर जख्म हुआ है तो स्किन में स्किन ही तो बनेगी, ऐसा तो नहीं है कि हमें लगी है तो हमें जख्म हो गया, काफी गहरा जख्म हुआ है तो वहां पे टीथ की डेवलपमेंट हो गई है, वहां पे स्टोमिक की डेवलपमेंट, ऐसा कभी भी नहीं होता। डिफरेंशिएटेड हैं, लेकिन इनमें कैपेसिटी होती है थोड़ी बहुत न्यू सेल्स फॉर्मेशन की, इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं रीजनरेशन की, ठीक है। उसी तरह टीथ की अगर हम बात करें, टीथ में भी थोड़ी बहुत रीजनरेशन या इस तरह की कैपेसिटी होती है, हमें मिल्क टीथ जाते हैं, देन दूसरे परमानेंट टीथ आ जाते हैं, उससे ज्यादा इनमें। और अगर हाई लेवल की कैपेसिटी की बात करें ना, हमें जो टीथ में कैविटी बनती है तो वो रीजनरेट हो जाए, बट इतने हाई लेवल की इनमें नहीं होती है कैपेसिटी, ठीक है। बड़ी लिमिटेड सी कैपेसिटी होती है इन स्टेम सेल नीचे में, लिमिटेड सी कैपेसिटी जो एक नॉर्मल हमारी डे टू डे लाइफ को कंटिन्यू कराने में रोल प्ले करती है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता जैसे दांत में कैविटी बन गई तो आराम से रीजनरेट हो जाए, ठीक है। हमारा हार्ट फेलियर हो चुका है, हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो आराम से रीजनरेट नहीं, उतनी हाई लेवल की कैपेसिटी इनमें नहीं होती। उतने हाई लेवल की सिर्फ इस बोन मैरो के पास होती है या ICM के पास होती है, ठीक है। अब बच्चे इसके सिग्निफिकेंस हैं और इसकी एप्लीकेशंस हैं वो मैं कल करवाऊंगी, आज नहीं करवा रही, और ऑफलाइन क्लासेस वैसे आपकी लगने ही वाली हैं, तो खैर हम देख लेते हैं कहां तक हमारा ऑनलाइन होता है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, कल हम इसके सिग्निफिकेंस और एप्लीकेशंस करेंगे, ठीक है। तो कहीं पर भी कन्फ्यूजन होगी आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।